एक भजन बड़ा है, भोजपुरी में है लेकिन बड़ा बढ़िया है। अरे गुरु है बिना है, गौतम जी सर्वात्मानंद चले गए। गुरु है बिना नैया के ही उबार, गुरु है बिना नैया के शंका और भ्रम को दूर करेंगे कि गुरु बिनु माला फेरते, गुरु बिनु करते दान, बिना गुरु सब निष्फल गया कहते वेद पुराण, कैसे सब निष्फल हो जाता है। अच्छा इस धर्म सभा में कितने किसान हैं, हाथ ऊपर करेंगे क्या? किसान 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 हाथ नीचे करेंगे। ये बताइए, ये बताइए, यदि किसान है तो आप लोग जानते होंगे, यदि किसानी करने का नियम न मालूम हो, आज ऐसे पानी में धान बोया जाता है उसी तरह से गेहूं बो दें तो सफल होगा नहीं कि फसल होगा? दोनों नहीं होगा, नहीं ना। मेहनत भी बेकार, मजदूरी भी बेकार, और बीज भी बेकार, खाद भी बेकार है कि नहीं? बेकार चला गया कि नहीं चला गया ना? एक फसल उगाने के लिए भी नियम है, तो फिर संसार सागर और संसार सागर के पार भव सागर जाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है? उसमें क्या नियम नहीं है? नियम कौन समझाएगा? जो जानेगा वही न समझाएगा है? कि सोया हुआ आदमी किसी को जगाता है, जब खुदे सोया है तो जो स्वयं जागा नहीं है वह दूसरे को जगा पाएगा? इसलिए दिव्यात्माएं सदगुरु यदि जीवन में नहीं है तो जागृति नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए एक बार की बात थी, दिल्ली में हम किसी के यहाँ अतिथि थे, दिल्ली में, दिल्ली का कोई है इसमें? कोई नहीं। दिल्ली में रहते हो भाई? साथ में कौन है? दिल्ली में एक तुगलकाबाद है जगह, वहां से साउथ एक्सटेंशन दूरी है, वहीं पर थे हम। आज इसके यहां थे, वह सुपरवाइजर थे, एक संस्था चलती है कोई सुरक्षा की, उसी के हम उनके घर बैठे थे तो उनके एक चाचा आए थे, किसके, जिसके यहां रुके थे। तो चाचा जी का रूम हमारे रूम के बगल में था, ध्यान दीजिएगा, रूम बगल में था। तो चाचा जी को चौकी पर बिस्तर लगाया था, लगाया गया था, और चौकी पर गद्दे बिछे थे, बगल में खाना खाने के लिए टेबल रखा था। रात 11 बज गया, रात 11 बज गया तो हमें लघुशंका के लिए जाना पड़ा। तो बगल के रूम से जब निकले तो जो है वो दरवाजा के ऊपर जो झरोखा होता है ना, यहाँ के भाषा में रोशनदान कहते हैं, उस रोशनदान से रोशनी बाहर आ रही थी। तो हम सोचा भाई बात क्या है, जब अंदर देख रहे हैं कि एक आदमी, वही आदमी चौकी के ऊपर टेबल रखा है, टेबल के ऊपर स्टूल रखा है, स्टूल के ऊपर बैठ करके जो बल्ब है उसको पूरी ताकत से फूंक रहा है, हैं? और देख रहे हैं 11 बजे से 12-1 बजे रात तक फूका,
सर में दर्द होगा कि नहीं होगा? वो गांव का देहात का रहने वाला है आदमी, हमने दरवाजा खटखटाया, वह बौखला करके फाटक तो खोला लेकिन छल्लाया हुआ था। हमने कहा क्या है सर, क्या हो रहा है? कहा आप नहीं जानते हैं, ये पता नहीं कैसा दीपक जला दिया है लालटेन हमारे घर में, कि लालटेन को बंद करने गए तो हाथ जल गया। वो बल्ब को ऐसे घुमाना चाहा जैसे लालटेन को घुमाया जाता है ना, तो हाथ जल गया। फिर सोचे कोई ऑटोमेटिक दीपक होगा, दीपक जानते हैं ना, तो गांव में पहले देवियां दीपक को आंचल से बुझाती थी, बुझाती थी ना, दीपक बुताती नहीं थी। पहली की देवियां कुछ होंगी तो जानती होंगी, यदि बहू सास को सास बहू को सिखाती थी कि ये काम करना, जब सोने जाना तो दीपक को बुझाना नहीं, दीपक को जूड़ कर देना, यही भाषा है ना, ठीक है। तो वो आदमी पहले कहा कि अपने अचला से मैंने गमछा से इसको बुझाए, नहीं बुझा, घंटों बीत गया तो इस हाथ से बुझाए, इससे भी नहीं बुझा, अंत में क्या हुए इसको फूंकने लगे तो भी नहीं बुझा, ये कौन सा दीपक है? अब तो ये कहीं उपाय है रह गया है कि उठाऊं इस टेबल को, मार दूं इसको स्टूल से और तोड़। हमने कहा अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहां आइए। कहा आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं, जो हम 3 घंटे में नहीं कर सके आप जल्दी भी कर देंगे? हमने कहा अरे आप ही कर देंगे, आइए। क्या फिर हमारी हंसी उड़ा रहे? हमारा भी उम्र हो गया, 70 का उम्र हुआ, हम भी बहुत लोगों को देखे हैं, आप जैसे लड़कों को देखे हैं, ये बुझा देंगे आप जो 3 घंटे में नहीं बुझा? हमने कहा आप आइए नीचे। जब नीचे आए तो आप तो लोग समझ ही रहे हैं ना क्या करना था, कितना मेहनत लगनी थी। 10 मिनट, अरे कौन बोला 10 मिनट, कितना मेहनत लगनी थी। दिव्य आत्माएं जब उस आया तो जब कहे ऐसा इसे नीचे दबाई, और जो नीचे दबाया बुझ गया। कह रही बाप रे कौन जादू मंत्र है? हमने कहा जादू मंत्र नहीं है, यह बस सदगुरु की बुद्धि है। गुरु बिन माला फेरते, यानी 3 घंटे बिना गुरु का वह बल्ब बुझाने का प्रयास करता रहा व्यक्ति, लेकिन सफल हुआ नहीं ना। और जैसे गुरु का ज्ञान आया तो कितना देर लगा, तो बिना गुरु सब निष्फल गया, निष्फल गया ना अब तक का मेहनत। दिव्य आत्माएं वही बात है, हम भगवान को पाने के लिए चलते हैं, सदगुरु को पाने के लिए चलते हैं, परम मुक्ति धाम पाने के लिए चलते हैं, संसार में सुख शांति सफलता के लिए चलते हैं, लेकिन यदि सदगुरु नहीं रहता है तो मिलना। गुरु और शिष्य रास्ता पकड़े चले जा रहे थे, कौन? गुरु और शिष्य रास्ता पकड़े चले जा रहे थे। गुरु से शिष्य बोला गुरुजी यह बताइए कि सारा मेहनत तो महाभारत में किया अर्जुन, किया भीम, किया नकुल, किए धर्मराज, और नाम भीम नाम भगवान कृष्ण का हो गया, वो क्या किए? तो गुरुजी ने कहा अरे वो जगत गुरु है ना। कहा जगत गुरु का मतलब क्या? लड़ाई लड़े उसका नाम होना चाहिए, जो मेहनत करे उसका होना चाहिए कि चुपचाप, जो सारथी है महारथी का नाम होना चाहिए? सारथी का नाम थोड़ी होना चाहिए, वो तो सारथी है। गुरु जी कुछ बोले नहीं। जब रास्ता पकड़े चले जा रहे थे तो एक जंगल पड़ा, और जंगल के पहले एक झुरमुट पड़ा, झुरमुट बांस का। तो गुरु जी ने कहा एक लाठी समझते हैं ना, एक लाठी इसमें से काट लो और इसको जो कैन है ना इसमें का साफ कर लो। तो गुरु की आज्ञा का पालन किया, लाठी काट लिया और जो भी गठरी मोटरी थी उसी में लटका लिया। अंधकार हो चुका था, आधा रास्ता जाने के बाद में एक डकैत आया। क्या आया? डकैत आया।
अब जैसे डकैत आया अपना बंदूक निकाला लगा दिया, कहा भाई नीचे धर। चेला गिड़गिड़ाने लगा, अरे हमारे गुरुजी हैं, तेरे गुरुजी का भी निकालता हूं, तेरा भी पल धर धर। अब मरता क्या नहीं करता, धरेगा कि झगड़ा करेगा। आप क्या करते, आप क्या करते, कौन बोला मार देते, कौन बोला मार देते उस साले को। अरे अभी तुम तो भाले भाले मार देता हो, वीरान जंगल था, अटकैत था, अकेले था, क्या करते। अरे जान बचे तो लाखों पाए घर के बुद्धों, घर को आए ना, ये नहीं करते। वो बोला कि जान प्रिय है तेरा, प्राण प्रिय है कि सामान प्रिय है, बोल। नहीं, गुरु और चेला को लाइन में खड़ा कर दिया, कहा ले एक ही स्ट्रैंगल दबाऊंगा या छेदते हुए पहले गुरु को फिर चेला को, अने चेला को पहले गुरु को, कौन मरना चाहता है। गुरु जी कह रहे दे दो, गनीमत इसी में दे दो। चेला क्या किया, रख दिया। आज जब रख दिया, क्या रखा, गठरी रख दिया। गठरी रख दिया तो गठरी उठाने के लिए वह जो पहलवान टाइप था डकैत उठाया,